आज आप दर्शन के लिए आए हैं चिंतामन गणेश, क्या उद्देश्य आए हैं राशि दर्शन के लिए? अभी अभी कुछ महाराज का आशीर्वाद लेने आए हैं। आज हमारे परिवार में 3 लोगों का जन्मदिन है, बड़े भाई साहब का, मेरा और भतीजे का। कल वैवाहिक वर्षगांठ भी थी, कल शादी की सालगिरह थी, महाकाल के भी दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया। अभी अभी कुछ देर पहले ही मंत्री जी भी आए थे दर्शन के लिए। अभी गए। जय गजानन। आपके जन्मदिन दिन के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहते हैं प्रदेश की जनता को? कुछ नमस्कार, मैं हूं नीलेश मालवीय और आप देख रहे हैं खबरदार न्यूज। आज हम आए हैं उज्जैन से 6 किलोमीटर दूर चिंतामन गणेश मंदिर। जी हां, यहां यह मंदिर की स्थापना एवं प्रथम पूजन श्री राम भगवान ने किया था। आज देश पूरा राममय हो चुका है। 22 तारीख को रामलला विराजमान होने वाले हैं अयोध्या में, और इसी श्रृंखला में आज हम आपको विशेष दर्शन कराने आए हैं चिंतामन गणेश मंदिर। यहाँ पर अभी अभी CM डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा भी यहाँ पर एक विशेष पूजन किया गया है, और इसी मंदिर परिसर में स्थित है लक्ष्मण बावड़ी, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। लक्ष्मण बावड़ी, यहाँ पर वनवास काल के दौरान जब माता सीता को प्यास लगी, उस समय लक्ष्मण जी ने तीर चलाकर, आप हमारे पीछे लक्ष्मण बावड़ी देख रहे हैं, यहाँ पर जल प्रकट किया, और तभी से इसका नाम पड़ा लक्ष्मण बावड़ी। यह इसी जल से माता सीता की प्यास बुझाई गई और साथ ही श्री गणेश का अभिषेक भी किया गया। तो इतनी प्राचीनतम धरोहर यहाँ पर, जहाँ पर हम खड़े हैं, श्री राम भगवान ने यहाँ पर मूर्तियों की स्थापना की, उनका जलाभिषेक किया वनवास काल के दौरान, और लक्ष्मण बावड़ी जहाँ पर तीर चलाकर लक्ष्मण जी ने जल प्रकट किया और माता सीता की प्यास बुझाई। इसी प्रकार की रोचक खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। उज्जैन से नीलेश मालवीय के लिए खबरदार न्यूज। उज्जैन से 6 किलोमीटर दूर स्थित है चिंतामन गणेश मंदिर, जिसकी स्थापना एवं प्रथम पूजन किया था भगवान श्री राम ने। यहीं पर स्थित है लक्ष्मण बावड़ी, जिसकी श्री राम जी के भाई लक्ष्मण द्वारा तीर चलाकर सीता माता की प्यास बुझाने के लिए इस बावड़ी का निर्माण किया गया था। खबरदार न्यूज की टीम आज पहुंची चिंतामन गणेश मंदिर, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की धर्मपत्नी श्रीमती सीमा यादव ने परिवार सहित किए चिंतामणि गणपति जी के दर्शन। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचकर पूजन दर्शन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी सीमा यादव ने बताया कि उनके परिवार में आज भगवान महाकाल और चिंतामणि गणपति जी की कृपा से 3 परिवार के सदस्यों का जन्मदिवस है। ऐसे में आज इसे चिंतामणि के दर्शन कर दर्शन लाभ लिया है और प्रदेश की खुशहाली की कामना की है। चिंतामन गणेश आय किस प्रकार का महत्व है मंदिर का? चिंतामन गणेश मंदिर पर जो महत्व की बात अपन करें तो यहाँ पर 3 प्रतिमा एक साथ विराजित है, चिंतामन, इच्छामन, सिद्धि विनायक, और यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं की मनोदशा पूर्ण होती है, इच्छा पूर्ण होती है और सिद्धि की प्राप्ति होती है। किसी प्रकार की मन में चिंता हो तो भगवान गणपति को मनाने पर सारी चिंताएं दूर होती है। ये प्रतिमा का प्रथम पूजन भगवान राम के द्वारा किया है, जब 14 वर्ष के वनवास में आए थे, उस समय में यहाँ पर राम, लक्ष्मण, सीता ने तीनों गणेश जी का पूजन किया है, और उसी समय से भगवान गणपति का दर्शन और मन्नत का क्रम चलता रहता है। आदमी किसी भी प्रकार से परेशान हो तो कार्य सिद्धि के लिए भगवान गणपति को मनाते हैं और गणेश जी उनके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। लक्ष्मण बावड़ी भी है यहाँ पर क्या? ये जब 14 वर्ष के वनवास में राम, लक्ष्मण, सीता आए थे, उस समय में यहाँ पर एक जंगल था, तो जल की उपलब्धता नहीं होने के कारण लक्ष्मण जी ने तीर चलाया था, जिससे गणेश जी का अभिषेक किया है। मंदिर के पूर्व दिशा में बाण जंगल के नाम से एक बावड़ी निर्मित है, उस बावड़ी के जल से भगवान गणेश जी का अभिषेक किया। आपका शुभ नाम? पुजारी गणेश को। बता दें, इससे पूर्व मुख्यमंत्री CM यादव ने भी दर्शन लाभ लिया था, दर्शन कर चिंतामन स्थित श्री महाकाल लड्डू यूनिट का निरीक्षण किया था। बाद में पत्नी सीमा यादव ने दर्शन लाभ लिया, मौके पर उनके पुत्र अभय यादव सहित परिवार जन भी मौजूद थे। उज्जैन से हमारे रिपोर्टर नीलेश मालवीय की रिपोर्ट, बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ।